अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे उम्मीद करती हूँ आप ठीक ही होंगे। ये मैंने लेस लिया है, ये मैंने फैब्रिक लिया है प्रिंटेड, ये अम्ब्रेला कट किया है, ये बैक है, ये फ्रंट है, नोक ऊपर मैंने ये नोक रखी है। इसमें इस तरह से ध्यान से देखना, ये चोली है, ये बैक है और ये फ्रंट है। ये देखना किस तरह से कट किया है मैंने, ये इस तरह से कट किया है, गोलाई ऊपर नेक, ये स्लीव है। अब सबसे पहले हम नेक कटिंग करते हैं। यह मैंने 8 इंच का नेक रखा है, हम इसे निशान लगा लेंगे और इसे कट कर देंगे। इसे नेक को मैं फ्यूज पेपर पर नहीं, मैं इसे कपड़े पे ही जमाऊंगी, इसे हाथों की हेल्प से मैं इसे प्रेस कर दूंगी। अब मैं इसे पिन अप कर दूंगी ताकि हमारा तिरछा ना हो। इस तरह से पिन अप करते हुए हमारा बहुत सफाई से नेक बनेगा। ये इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से इस पर। और ये मैंने अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं सिलाई छोड़ते हुए मैं इसे निकाल दूँगी। बैक हमारी 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए मैं इसे कट कर दूँगी और मैं इसे बैक पे ये मैं ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। मैं तुरपाई नहीं करूँगी, ऐसे ही सिलाई लगा दूँगी, इसलिए क्योंकि मुझे इस पर लेस लगानी है। ये जो मैंने गोलाई कट की थी इस पर मैं एक सिलाई ऐसे लगा लूँगी, क्योंकि जब मैं इस पर आगे चुन भरने के बाद मैं इसे जोड़ूँगी ये ऊपर नीचे का खिंच जाएगा। ये मैंने जो नोक कटिंग की थी मैं इस तरह से इसमें थोड़ा ऐसे ही सिलकर मैं इसे चुन भरती जाऊंगी, क्योंकि ये हमारा फिटिंग में जाना है साइड से। ये इस तरह से चुन भरती जाऊंगी। ये हमारे चुन तैयार हो चुके हैं इस तरह से। ये बहुत ही स्टाइलिश फ्रॉक बनेगी। ये हमें नोक बीच में है, ये नोक और चोली की नोक हमें दोनों को मिलाते हुए इन्हें इस तरह से मिलाना है। हमारे चुन सही भी आई ये नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं है। ये हमारे चुन तैयार हो चुके हैं, हम इस तरह से मिला लेंगे इसे और इस तरह से चोली के साथ इसे इस तरह से सिल देंगे। बहुत सफाई से सिलनी है क्योंकि ऊपर नीचे ना हो चुन हमारे। इस तरह से देखना हमारे चुन, ये देखना इस तरह से हमारा फ्रंट तैयार हुआ है, ये देखना बहुत ही प्यारी स्टाइलिश फ्रॉक है ये। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से लेस लगाएंगे। लेस हमें बहुत ही आराम से बहुत ही सही से रखकर हमें इस तरह से लगानी है। ये हम बोटा बीच का निकाल देंगे इस तरह से और हमें यहाँ पे कोना बनाना है। इस तरह से हमें कोना बनाना है, हमें सिलाई के ऊपर ही सिलाई लेते जाना है और गोलाई से हमें इस तरह से सिल देना है। ये हमने इस तरह से सिल लिया है, इसे कट कर देंगे। इस तरह से हमने सिल लिया है, ये देखना हमारा फ्रंट कैसा लगा है। और ये हमने 2 बुट्टे इस पर यहाँ पे बीच में लगाने हैं क्योंकि ये खाली खाली सा लग रहा है हमें, इसलिए हमें बीच में लगाने हैं। मेरी वीडियो को पूरे देखते जाना, बीच में मत छोड़ना। ये देखना हमारी फ्रॉक तैयार है। हमें अब हमें स्लीव जोड़नी है इसमें। ये हमने स्लीव अभी इस तरह से हमें लेस लगानी है, ये इस तरह से हम लगाते जाएंगे लेस और दूसरी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये देखना हमारी फ्रॉक। हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, देखना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।